कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो शायद अर्जुन को भी हरा सकता। अपने पिता सूर्यदेव से मिले कवच और कुंडल के कारण वो अमर था, उसे कोई नहीं मार सकता था। लेकिन युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों वो मारा गया। इसके पीछे एक देवता का हाथ था, इंद्रदेव, स्वर्गलोक के राजा और अर्जुन के पिता, जो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इंद्रदेव जानते थे कि युद्ध में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना होना तय है, इसलिए एक दिन युद्ध से पहले इंद्रदेव एक साधु के भेष में कर्ण के पास गए। उन्होंने छल से कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण को पता था कि ये दरअसल इंद्रदेव हैं, जो नहीं चाहते कि कर्ण अमर रहे। फिर भी कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। और तो और, आज कोई इंद्रदेव की बात क्यों नहीं करता, उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती। आज हम इंद्रदेव से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। इंद्र, जिनका मुख्य अस्त्र वज्र है और जो एक चार दांतों वाले सफेद हाथी ऐरावत की सवारी करते हैं। वेदों के अनुसार इंद्रदेव ने कई बार देवताओं को और पूरे स्वर्ग को अनेक राक्षसों से बचाया था, लेकिन जब एक बार वृत्र नाम के एक खतरनाक राक्षस ने स्वर्ग को अपने कब्जे में करा, उसने साथ ही धरती से सारा पानी भी चुरा लिया था। उस समय इंद्रदेव ने ये प्रण लिया था कि वो स्वर्ग को जीतने के साथ पृथ्वी पे पानी भी लौटा लाएंगे, पर वृत्र को मारना इतना आसान नहीं था। उसे एक वरदान मिला हुआ था कि उसे किसी भी हथियार से हराया नहीं जा सकता था, इसलिए इसका हल निकालने के लिए इंद्रदेव ब्रह्मा जी के साथ ऋषि दधीचि के पास गए, क्योंकि सिर्फ उनकी हड्डियों से ही एक ऐसा अस्त्र बनाया जा सकता था जिससे वृत्र को मारा जा सके, और वैसा ही हुआ। ऋषि दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से इंद्रदेव के वज्र का निर्माण किया, जिसका इस्तेमाल करके इंद्रदेव ने वृत्र को मार गिराया। इस युद्ध के बाद सभी देवताओं ने इंद्रदेव से प्रसन्न होकर उन्हें अपना राजा घोषित किया था, और इंद्रदेव ने धरती पर वर्षा के रूप में पानी लौटा दिया। तब से उन्हें बादलों और वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्रदेव की पत्नी का नाम शची था, हालांकि उनके कई और संबंध भी थे। स्वर्ग के सभी अप्सरा और गंधर्व मानो उनके ही पोजीशन में थे। स्वर्ग के सबसे खूबसूरत बगीचे नंदन कानन में कल्पवृक्ष जैसे पेड़ थे। ये पेड़ किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए जाने जाते थे। जहां एक तरफ इंद्रदेव के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, वहीं असुरों के पास हर चीज की कमी थी, इसलिए अक्सर स्वर्ग पे असुरों का आक्रमण हुआ करता था, और इसके चलते इंद्रदेव अक्सर युद्ध में व्यस्त होते थे। ऐसा माना जाता है कि देवों की हमेशा विजय होती है, लेकिन इंद्रदेव की कहानी में विजय के साथ पराजय के भी किस्से पाए जाते हैं। इसलिए जब भी असुरों का पलड़ा भारी होता, इंद्रदेव त्रिमूर्ति की सहायता मांगते थे। उनके सहारे इंद्रदेव स्वर्ग को वापस पा लेते थे, लेकिन जब भी उनका स्वर्गलोक सभी खतरों से सुरक्षित होता, तब भी उन्हें अपना राज्य छिन जाने की चिंता लगी रहती थी। उनके इस डर का एक और कारण एक मशहूर प्रथा थी। इस प्रथा के चलते कोई भी इंसान या देवता 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र की पदवी पा सकता था, इसलिए इंद्रदेव कभी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं महसूस करते थे। उन्हें हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होती थी। धीरे धीरे इसी इनसिक्योरिटी और उनके बढ़ते अहंकार के साथ इंद्रदेव को लगने लगा कि दूसरों पर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने देवताओं के साथ पृथ्वी के लोगों में भी अपना डर फैलाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर कोई भी उनके खिलाफ गया या किसी ने भी उनका निरादर किया तो वो वर्षा रोक देंगे। अपनी फसलें बचाने के लिए पृथ्वी लोक के वासियों ने इंद्रदेव की पूजा करनी शुरू कर दी। इंद्रदेव हमेशा यज्ञ या तपस्या कर रहे इंसानों और ऋषियों से भयभीत रहते थे। उनके मन में एक ही विचार आता रहता था, ये लोग कहीं तपस्या और यज्ञ करके मुझसे मेरा सब कुछ छीन ना ले। इसी कारण इंद्रदेव नई नई तरकीबों से लोगों की तपस्या और यज्ञ में बाधाएं डालने की कोशिश करते। ऐसे ही एक दिन जब इंद्रदेव ने गुरु विश्वामित्र को तपस्या में लीन देखा, तो उन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा को उनके पास ध्यान भंग करने भेजा, और ऐसा करने में वो सफल हो गए। इंद्रदेव के अहंकार के साथ उनकी काम वासना भी कम नहीं थी, और इस बात का प्रमाण हमें अहिल्या की कहानी से मिलता है। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी, जिनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में हुआ करते थे। इंद्रदेव उनकी कहानियों से इतने फैसिनेट हुए
कि एक बार उन्होंने अहिल्या के साथ समय बिताने का फैसला किया। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा थी, इंद्रदेव अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने घर से बाहर गए हुए थे, तब इंद्रदेव ने महर्षि गौतम का भेष बनाया और अहिल्या के सामने उनके पति के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अहिल्या को उनसे संबंध बनाने को कहा, लेकिन कुछ ही समय में अहिल्या को यह एहसास हो गया कि वो उनके पति नहीं थे। अपने आप को उनसे दूर कर जब अहिल्या ने सवाल किए तो उन्हें पता चला कि वो दरअसल इंद्रदेव थे। पर जब महर्षि गौतम वापस आए और उन्होंने ये सब देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अहिल्या को एक पराये पुरुष के साथ देखकर उन्हें श्राप दे दिया कि वो पत्थर की बन जाएंगी और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक स्वयं भगवान विष्णु आकर अहिल्या को स्पर्श ना करें। इसलिए वाल्मीकि रामायण के बालकांड में बताया गया है कि श्री राम जब अहिल्या के पास आके उनके पत्थर के रूप को छूते हैं तब उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी तरफ इंद्रदेव को भी महर्षि गौतम ने एक भयानक श्राप दिया। श्राप ये था कि इंद्रदेव के शरीर पर 1000 योनियां आ जाएंगी। ये श्राप मिलने के बाद इंद्रदेव की हालत बहुत बुरी हो गई थी। किसी भी देवता से उनका ये रूप देखा नहीं जा रहा था, इसलिए देवताओं ने ब्रह्मदेव की सहायता मांगी। ब्रह्मदेव के कहने पर इंद्रदेव ने शिव जी का ध्यान किया और शिव जी ने खुश होकर इंद्रदेव के शरीर की योनियों को आंखों में बदल दिया। इसलिए इंद्रदेव को 1000 आंखों वाले देवता कहा जाता था। इंद्रदेव को इस श्राप से मुक्ति मिल गई, पर इन्हीं सब के कारण धीरे धीरे उनकी महत्वता कम होने लगी। यही कारण है कि जहां एक तरफ वेदों में 1/4 श्लोक केवल इंद्रदेव के गुणगान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वेदों के बाद लिखे पुराणों की कहानियों में उन्हें एक सेकेंडरी रोल में दिखाया जाता है। पुराणों, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में उनकी ईर्ष्या साफ नजर आती थी। इंद्रदेव का अहंकार इतना बढ़ गया था कि अगर कोई उनकी पृथ्वी लोक पे पूजा नहीं करता तो वो उन्हें वर्षा रोक के दंड देते। लेकिन अब समय आ गया था इस अहंकार को तोड़ने का। वृंदावन के गांव में एक दिन बहुत बड़ी पूजा की तैयारी की जा रही थी। वहां रहने वाले 7 साल के श्री कृष्ण के मन में प्रश्न आया कि आखिर ये सब किस देवता को प्रसन्न करने की कोशिश है। तभी उन्हें वृंदावन के लोगों ने बताया कि ये पूजा इंद्रदेव के लिए की जा रही थी ताकि वर्षा होती रहे। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव की वजह से वर्षा नहीं होती। सभी चौंक गए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि गोवर्धन पर्वत की वजह से वर्षा होती है, इंद्रदेव की वजह से नहीं। गोवर्धन पर्वत के कारण बादल आकर्षित होते हैं जिनसे वर्षा होती है। गाय और बैलों के लिए चारा भी गोवर्धन पर्वत से ही मिलता है। ये समझाने के बाद श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। सभी को उनकी बात सही लगी और उन्होंने गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जब स्वर्ग में इंद्रदेव को ये बात पता चली तो उनके क्रोध की सभी सीमा पार हो गई। उन्होंने अनेक काले बादलों को इकट्ठा कर उन्हें वृंदावन पर गरजने का आदेश दिया। वृंदावन में एक भयंकर बाढ़ आ गई। सभी ने अपनी जान बचाने के लिए श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी वृंदावन वासी और पशु पक्षियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आसरा मिला। वृंदावन में 7 दिनों तक तेज बारिश हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सबकी रक्षा करी। इंद्रदेव की सभी कोशिशें नाकाम होती रही और आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी और उनका अहंकार टूट गया। उस समय से आज तक श्री कृष्ण के कहने पर इंसानों ने स्वर्ग के देवता इंद्रदेव के जगह अंतर्मन के भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया और ये प्रथा आज तक चल रही है। इंद्रदेव की कहानी से ये समझा जा सकता है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अहंकार बहुत कुछ खत्म कर देता है। इंद्रदेव के बारे में आपको और कौन सी कहानियां पता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिए और ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।